हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू गुजर फैमिली व्लॉग्स। और ये दोपहर का टाइम है और मुझे जाना है मार्केट, बहुत ज़रूरी जाना है कुछ सामान लेने के लिए। और मैं कह रही थी हस्बैंड को कि कार पे नहीं एक्टिवा पे जाएंगे, तो वह कह रहे थे कि बहुत तेज़ धूप है, आंखों में लगेगी ये वो। मैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब कुछ प्रिकॉशंस अपने ले कर चलूँगी, बस आप एक्टिवा पर ले कर जाओ मुझे। तो अब हम यहीं पर ही एक्टिवा पर ही जाने की तैयारी कर रहे हैं। और एक्टिवा की ना बैटरी जो है थोड़ी सी डाउन हो रखी है, तो वो किक से स्टार्ट होती है तो थोड़ी कई बार दिक्कत भी करती है स्टार्ट होने में, भी बैटरी उसकी चेंज करवानी है। तो और निकल गए हम एक्टिवा पे इतनी दोपहर में, दोपहर को ना 3:45 बजे का टाइम था, उस टाइम पर हम निकले थे मार्केट जाने के लिए। और ये हैं मेरे सूट जो मैंने स्टिचिंग के लिए दिए हुए थे, तो 2 सूट आ गए हैं, बाकी अभी लेफ्ट हैं, अभी और भी हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये ग्रीन कलर का सूट है और इसके नीचे मुझे लाइनिंग लगवानी चाहिए थी बट मैंने नहीं लगवाई, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो पहन लेंगे, अब तो सिल गया। और एक ये वाला सूट है, ये प्योर कॉटन का है और बहुत अच्छा लगा ये स्टिच करने के बाद। आपको कैसा लग रहा है दोनों का कलर बताइएगा ज़रूर। और ये ग्रीन वाला सूट तो मैं जल्दी ही पहनने वाली हूँ। हमारे घर में मैरिज है तो उसके फंक्शंस जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसमें मैं डालने वाली हूँ, आपके साथ शेयर भी करूँगी। और हम ना मतलब भात नोतने जाते हैं जैसे शादी से पहले, तो वहाँ पर भी गए थे लेकिन मैं वहाँ की वीडियो नहीं बनाई है मैंने, क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है वीडियो में आने के लिए इस वजह से। लेकिन मैं कुछ तो आपके साथ शेयर करूँगी, डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो करना बनता है, खुद को तो मैं शेयर करूँगी ही करूँगी। और अब हो गया है शाम का टाइम, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर आलू की सब्ज़ी। पहले टिक्की बनाने का मन था लेकिन टिक्की नहीं बनाई, हस्बैंड गए हुए थे बाहर, टिक्की लगती है अच्छी गरम गरम ही, तो इस वजह से मैंने आलू की सब्ज़ी ही बना दी और सिंपल जीरे में ही तड़का लगाया। टमाटर कई लोग खा लेते हैं, कई लोग नहीं खाते हैं, बट मैं नहीं खाती हूँ, मुझे टमाटर वैसे भी अच्छा नहीं लगता सब्ज़ी में। और आलू की सब्ज़ी में तो खाली जीरा होना चाहिए, नमक मिर्च होने चाहिए, बस इसी से ही आलू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। और नवरात्रे वाली सब्ज़ी तो बहुत बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है। और मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे बोला था कि जब भी आप अपने लड्डू गोपाल जी का भोग लगाओगे तो हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने इस वीडियो में ना शेयर किया है मैं अपने लड्डू गोपाल जी का भोग कैसे लगाती हूँ, तीनों टाइम का, या फिर जब भी मुझे भोग लगाना होता है तो मैं कैसे लगाती हूँ। और वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में ही वो चीज़ मैंने शेयर की है। अभी तो मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ और मैंने ना इसमें जीरा डालने के बाद आलू में ही नमक मिर्च डाल ली थी और वो मिक्स कर लिए थे। लगाओ प्रभु जी, भोग करो स्वीक।
से जग के पालनहार। आओ आओ किशोरी भोग लगाओ किशोरी तेरा भोग करो स्वीकार रे से जग के पालनहार। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी मेरा भोग करो स्वीकार रे से जग के पालनहार। आओ आओ किशोरी भोग लगाओ किशोरी मेरा भोग करो स्वीकार रे जग के पालनहार। फिर हम 5 to 10 minutes के लिए खाना जो है गोपाल जी के आगे रख देते हैं। और मैंने आपको बताया था ना भारत रत्न गए थे, तो ये उसी की कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और कुछ डांस भी शेयर करूँगी। लेकिन अपनी फ़ोटो तो मैं आपको दिखा सकती हूँ लेकिन किसी और की नहीं दिखा सकती, तो उनका फेस मैं कवर कर दूँगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा इस चीज़ का, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं दूसरों को बिना परमिशन के अपनी वीडियो में नहीं ले सकती हूँ। तो इन्जॉय कीजिएगा वीडियो को, काफ़ी अच्छी वीडियो है डांस की। We'll be right back.
आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो का एंड यहीं पर ही कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।